हाँ, क्योंकि जो हम कवर लेटर लिख रहे थे उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो वो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उससे मेरा बहुत ही मतलब 3 दिन के अंदर हो गया था। मेरे को भी इंटरव्यू में ऐसे डर ही लग रहा था पहले से, 4-5 दिन पहले से, पर मेरे ख्याल से मॉक इंटरव्यू मैंने 1 दिन पहले दिया था। एक्चुअली अच्छा मेरा बोलोनिया में भी हो गया था, बट हुआ क्या कि डीओवी भी मेरे को 9 डेज के अंदर मिल गया था। मतलब मैंने डीओवी जिस दिन कलेक्ट किया उसके अगले दिन ही वीजा दे दिया था। ओके, अब बात करते हैं फंड्स की, के बारे में तो अच्छे से बताओ कि बहुत लोगों को डाउट रहता है और फंड्स को ही लेकर रिजेक्शन आता है। मेरे से इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी फीस कितनी है वहां की, तो इंटरव्यू कितने टाइम चला था? तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इनफैक्ट उनने मेरे से इनकम के बारे में पूछा, मंथली इनकम, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि जितना पूछा है उतना ही बताया लास्ट में आपको मैं कुछ एडवाइस दे देता हूँ ताकि आपको ट्रैवल के टाइम पे जाए। इजी हो जाए। कोई अभी तक फ्लाइट से ट्रैवल किया आपने? देखो अपने साथ में कैटल लानी तो कैटल आ सकते, और हाँ यूरोपियन प्लग लेके जरूर आना। हाँ इमिग्रेशन के इंटरव्यू के बता, इंडियन फूड के चक्कर ठीक मत है, रहना आते। कैसे हो कार्तिक, बढ़िया बढ़िया। कब मिला वीजा? वीजा मेरे को 26 को मिल गया था, फिर मतलब 26 को मैसेज आ गया था एंड लिया मैंने कल। अच्छा, और अप्लाई कब किया था? अप्लाई वीजा के लिए 13th को था इंटरव्यू, 13 दिन मतलब में मिला। 13 डेज में गया था। हाँ ठीक है, पता आपको वीजा क्यों मिला? एक रीजन जो सॉलिड है, बहुत रिजेक्शन आ रहे हैं, बहुत रिफ्यूजल आ रहे हैं। मेरे ख्याल से फीस फेवर की वजह से हो सकता है, पता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप मिली है ना यूनिवर्सिटी साइड से, इसको मैडवे स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो एक स्ट्रांग पॉइंट था, उसकी वजह से मिला है। आप उत्तराखंड से हो राइट? हाँ, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है अपनी, मेरी पविया, यूनिवर्सिटी ऑफ पविया, कोर्स कौन सा है, एमएससी एग्री फूड सस्टेनेबिलिटी। बैचलर्स एलपीयू से किया ना आपने भी? हाँ, एलपीयू से एग्रीकल्चर था, 4 इयर्स का। ठीक है, तो कोई गैप वगैरह लिया था डायरेक्ट एडमिशन? नहीं, डायरेक्टली लिए, डायरेक्टली एडमिशन। सही है, किस्मत वाले हो कि फटाफट एडमिशन भी हो गया, इतने रिजेक्शन आ रहे हैं वो भी हाँ सब हो गया। एक्चुअली, हाँ हाँ मतलब मेरे को पहले तो डर भी लग रहा था, बिकॉज मेरे हाथ में डिग्री शायद 18th या 19 जुलाई को आई थी, और फिर मेरे को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा, और मतलब विद इन अ मंथ ही मैंने वीजा दे दिया था अपना 13th अगस्त को। तो सही है, काफी जल्दी सब कुछ क्लास निपट गया, जल्दी जल्दी वीजा मिल गया। क्लास कब से स्टार्ट है? 30th सितंबर से 30th, और फ्लाइट कब की है? 25 की, अच्छा बहुत पास में रखी फ्लाइट, चलो मतलब मेरे को पहले लगा कि मे भी डिले हो वीजा में, इसलिए लग ओके, मतलब पूरा वेट रहा है आउट कि जल्दी कर लेनी थी। आप लग रहा है नहीं। कि जल्दी कर लेनी थी। हाँ जो वीजा मिला होगा वो 25 का ही होगा। हाँ, उसमें डेट हमने अब 25 की डाली। हाँ क्योंकि जब से फ्लाइट लेते हैं तब से देते हैं वो लोग एंट्री। चलो तो आपको पता है कि आप एक उनमें से स्टूडेंट हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था। हाँ, तो उसमें क्या था कि आप कितने, 11 लोग थे या 15 लोग थे? 15 बच्चे थे। हाँ, 15 बच्चे थे, तो उनको आपने फ्री में यू नो हेल्प एंड ऑल एडवाइस वगैरह के लिए सेलेक्ट किया था, तो उसमें मेरा भी हुआ था शायद 2nd या 3rd नंबर पे। वो बहुत पहले हो गया था शायद जनवरी में, तो फिर हाँ, तो फिर तब से मैं कांस्टेंट टच में था ही आपके, और फिर हेल्प हाँ वगैरह एडवाइस वगैरह लेते रहता तो जितना उससे कुछ भी कवर लेटर बेनिफिट हो हुआ? गया है। हाँ मतलब इंटरव्यू की भी आपने मॉक करवाया था एक, तो उसमें तो हेल्प हुआ ही था, उसके अलावा कवर लेटर में भी काफी हेल्प हो गई थी मेरी, क्योंकि करेक्शन वगैरह जो करने थे। अच्छा, और जो इंटेंशन टू रिटर्न बैक जिसका सबको रिफ्यूजल आता है, तो वो सब सही हाँ था अपना? हाँ उसमें मैंने ऐसा मतलब फ्यूचर में बिजनेस प्लान के बारे में बताया कि वापस आके बिजनेस एंड ऑल करूंगा। थैंकफुली हाँ मेरा मतलब जैसे अभी मैं फार्म में हूँ अपने, तो यहाँ पे थोड़ा पेरेंटल मतलब लैंड है क्योंकि फार्मिंग भी होती है, तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करवा लिए थे, तो उससे भी शायद हेल्प हुआ होगा काफी। हाँ, क्योंकि जो हम कवर लेटर लिख रहे थे उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये दिखा देते हैं कि भाई अभी हम थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं ऑर्गेनिक का, है ना। हाँ चलो अगर बात की जाए, तो अगर ऐसे हर साल हेल्प की जाए बच्चों की, तो तुम्हें लग रहा है विदाउट कंसल्टेंसी बच्चे जा सकते हैं आराम से, है ना? प्रोसेस तो ईजी है। हाँ मतलब बस थोड़ी बहुत एडवाइस की जरूरत होती है, जो कि ठीक है, मतलब ऐसे वो नहीं है कि जो तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, बट एग्जैक्टली हाँ थोड़ा बहुत एडवाइस का जरूरत पड़ता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि बहुत जगह अगर आपको एडवाइस अच्छी नहीं है तो आप गलत चले जाते हो और लेट हो जाते हो, प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। हाँ हाँ भाई, तो जो हेल्प आपको FLCA से हमारी साइड से प्रोवाइड की गई, तो
तो वो हेल्प, जैसे हम लोग सोच रहे हैं इस बार हमने 15 बच्चे किए, नेक्स्ट ईयर हम 30 बच्चे करें, ठीक है? तो वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, उसमें क्या एडवाइस रहेगी, क्योंकि आप काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको क्या लग रहा है कि हमें उसमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या क्या और इंट्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि देखो ये हमारा फर्स्ट ईयर था, हमारा फर्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली हम लोगों ने ग्रुप बनाया आप लोगों के सबके अलग अलग, जितना हो पाया हम लोगों ने उसमें हेल्प करने की कोशिश करी। तो अब आपको क्या क्या चीज लगा कि यार ये चीज आप और करो उसमें, तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा ये, वो बताओ। वैसे तो मतलब वैसे तो मेरे को ठीक ही लगा, बट ऐसा इम्प्रूवमेंट ऑल तो जो हमारा था कि हाँ भैया चार्ट ये, तो उसकी चलो वीडियो बना दी, कोई हेल्प है तो ठीक है लोकेशन शेयर कर दी जितना हो सकता है, और मतलब कि यार इतना और कर दो तो फिर तो कुछ जरूरत ही ना पड़े कहीं जाने की। हाँ वही, मतलब जैसे HRD का मेरे को बहुत वो हो रहा था, डर लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि अब दूसरी स्टेट में वो भी गवर्नमेंट का काम करवाना है, तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लगे। तो वो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उससे मेरा बहुत ही मतलब 3 दिन के अंदर हो गया था, क्योंकि मतलब ऐसे ग्रुप में मैं लोगों के मैसेज पढ़ रहा था कि उनकी स्टेट में 15 दिन लग रहे हैं, आधा हाँ 1 महीना लग रहा है, तो इस वजह से भी काफी हेल्प हो गई थी वीडियो से। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट बताओ, इम्प्रूवमेंट क्या और कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल हम बच्चे बढ़ा रहे हैं। तो मे बी कि आप अपनी भी ऐसे कुछ टीम की स्ट्रेंथ बढ़ा ले कि जल्दी वो हो जाए, कि अच्छा जल्दी आप रिप्लाई ना। रिप्लाई कर पाए, ठीक है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, जैसे इस बार हमने 15 बच्चे हैं, तो इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये और आगे बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि देखो देखा जाए इंडिया में जो कंसल्टेंट हैं उन लोगों ने बहुत हाइप बना रखा है, क्योंकि आप तो उत्तराखंड के, तो आप जानते होगे हमारी साइड तो ऐसा रहता है कि 15-20 लाख रुपए तभी आप बाहर का सोचो, है ना? और अगर आप देखो तो हाँ आपको इटली का प्रोसेस मुझे लग रहा है 1 लाख तक निपट गया होगा, हाँ मतलब स्टार्टिंग डेढ़ में लाख मान लो, आईएलटीस के एग्जाम्स अभी तक देखूँ तो हाँ ऐसे ही 1 लाख के है ना? आसपास। आप सोचो आप 1 लाख में मास्टर्स करने जा रहे हो इटली में, यूरोप में, है ना? तो मतलब कोई भी जा सकता है हमारे यहाँ से, है ना? बट हाँ मतलब कंसल्टेंट ने ऐसा डरा वो रखा नहीं। है, एक डर बना रखा है 20 लाख होगा तभी जाओगे, तो हर कोई जा सकता है ना? हाँ और अच्छा एजुकेशन हाँ है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो कोई भी आ सकता है। तो वही करेंगे, हाँ इस बार जो आप हो और बच्चे जिनका वीजा लग जाएगा हमारे 15 में से, तो इन लोगों को रखते हैं साथ में, आप लोगों को और बच्चों की हेल्प करते हैं, क्योंकि जो हाँ हमें, है बढ़िया, अच्छा ना, आइडिया। क्योंकि जो हमें लोगों से मिला है हम लोगों को देते हैं, कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, तो ये है ना, क्योंकि बाहर ना, बाहर मार्केट में बहुत तरीके के वो कंसल्टेंट बैठे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं बुरी तरह से। क्योंकि जब मैं आया था तो हाँ मैंने बहुत डॉक्यूमेंट बनवाए थे, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट, तो मेरे को बहुत पैसे खिलाने पड़े थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मुझे पता नहीं था एक्चुअल प्रोसेस। सही है, तो ऐसा ही हो जाएगा कि भाई जो बंदे थोड़ा मिडिल क्लास के भी, वो भी आ सकते हैं, है ना? तो हाँ ऐसे करके एक हम बढ़िया सी टीम बनाते हैं, सही है, और कुछ इस टाइप से नाम भी रखते हैं कि तुम कार्तिक के नाम से, हमने लाइक कार्तिक पहले स्टूडेंट है जिसका वीजा है हमारे उनमें से, तो हम कुछ ऐसा रखते हैं कि कार्तिक स्कॉलरशिप करके कुछ नाम डाल देते हैं, और आगे 30 बच्चों करते हैं फर्स्ट की साइड से, ठीक है? और आपके नाम से हम स्कॉलरशिप एक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 30 बच्चे एनरोल करेंगे, वहाँ तुम्हें भी लाइक एज अ मेंटर रहोगे, तुम उनकी हेल्प करोगे, और जो बच्चे वाले हैं उनका हो जाएगा, उनको भी रखेंगे, ठीक है? वो हेल्प करेंगे। हाँ तो आप ही बताओ, जैसे हम लोगों ने जो आपके कवर लेटर, जो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो उसमें लाइक कहीं आपको ऐसा लगा कि यार ये चीज, जैसे मेरे को कहीं नॉलेज का ऐसा लगा कि हाँ आपने इंटरव्यूज दिए थे उससे मेरे को काफी हेल्प मिली, कवर लेटर लिखे जो एक दिन पहले, जो यार एक सजेशन दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, तो अगर ये इनिशियल किसी बच्चे को मिल जाए, वो हेल्प करती है चीजें? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मतलब मेरे को भी इंटरव्यू में ऐसे डर ही लग रहा था पहले से, 4-5 दिन पहले से, पर मेरे ख्याल से मॉक इंटरव्यू मैंने 1 दिन पहले दिया था, तो फिर उससे काफी कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि तुम्हें सामने से भी फीडबैक मिलता है, एंड मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं, अगर तुम गलत भी हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पे काम करना है, ताकि वहां ज्यादा बेटर हो जाए। कवर लेटर में भी मतलब हाँ, कि जैसे मैंने जो लिख के दिया था उसमें आपने ऊपर से करेक्ट कर दिया था, क्योंकि मतलब आप और जो भी टीम होगी उनको पता है कि कैसा चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इंटरव्यू है, क्या पढ़ना चाहता है, तो वो भी काफी हेल्प। हाँ तो मतलब ठीक है, तो आप इस बार तो आपने देख लिया पूरा प्रोसेस अपना करके, पूरा ट्रेंड हो गए हो, तो आगे बच्चों के लिए तैयार रहो कि अब हम इसको लॉन्च करते हैं स्कॉलरशिप को, और अब 30 बच्चों की हेल्प करते हैं। इंडिया में जो स्टूडेंट का जो डर है वो निकाल देते हैं लोगों के अंदर से, सही है? ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी, दिन में कभी 2-4 दिन में 1 घंटे की लोगों की हेल्प करनी होती है बस, ठीक है? सो काफी अच्छा हुआ, काफी खुशी मिली कि यार आपको वीजा मिल गया टाइमली, एंड वी ऑलवेज ट्राई की जितनी अच्छी हेल्प हो पाए उतनी करने का ट्राई करते हैं हम। बाकी इटली आओ, कभी कोई दिक्कत हो कुछ भी हो, हमेशा देर, बाकी अब तो तुम ही आ रहे हो तो बेटर, इससे बेटर और क्या ही होगा,
और बाकी इटली में कभी दिक्कत नहीं लेनी, इटली में एज अ बिग ब्रदर और एज अ फ्रेंड ऐसा कुछ भी करके कभी कोई दिक्कत आए तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते, बाकी तो आप पड़ोस के ही हो। बाकी और बताओ कुछ और बोलना चाहोगे लास्ट में? लास्ट में हाँ, मतलब जो लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स को लेके, मैंने देखा है ना कि काफी लोग परेशान रहते हैं, अच्छा और क्या कहते हाँ हैं सॉरी कि सॉरी, हाँ ये क्या तो भूल कर। गया, हाँ ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप बताओ आपके बैकग्राउंड क्या था फ्रेंड्स का। चलो पहले थोड़ा वीजा का डिस्कस कर लेते हैं कि वीजा में चलिए लाइक ठीक कब से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, पूरी स्टोरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कब स्टार्ट किया आपने अपना अप्लाई करना? है। तो मैंने अपना आईएल्स का एग्जाम तो मैंने पहले से सोचा था, 1 साल पहले से, 1 डेढ़ साल पहले से। तो आईएल्स का एग्जाम मैंने स्टार्ट दिया था अपना नवंबर में, दे दिया था, ठीक है और उसमें आ गए थे मेरे, मतलब 8 बैंड आ गया था ओवरऑल। तो मेरे को लग अच्छा रहा था कि थोड़ा सीवी से बूस्ट हो जाएगा। तो बेटर होना फिर उसके बाद तो मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था। मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में दिया था, पाविया में, पेडोवा में, मिलान और बोलोनिया में दिया था। तो ओके मेरा 3 में हो गया था एक्चुअली, अच्छा मेरा बोलोनिया में भी हो गया था। बट हुआ क्या कि उनका ना बहुत लेट आया मई के टाइम पे, हाँ मेरे को वापस रिप्लाई, और तब तक मैंने ऑलरेडी प्री एनरोल कर दिया था, वो तो क्योंकि चेंज मेरे हो को अपनी सकता प्री एनरोलमेंट बहुत क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी मिल गई थी मार्च में अपनी प्री एनरोलमेंट समरी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग डेज में अप्लाई कर दिया था। है। तो फिर बस अप्लाई किया था, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हाँ एक इंटरव्यू हुआ था मेरा पाविया में ही, और मेरे को ऐसा लगा था कि वो मेरी नॉलेज टेस्ट करेंगे, बट वो एक बेसिक सा वो तो इंग्लिश का इंग्लिश चेक इंटरव्यू करने के लिए था। आते हैं। हाँ हाँ वही, तो वो बेसिक सा इंटरव्यू था, वो तो ने 2 क्वेश्चन के बाद ही बंद कर दी थी मीटिंग। एंड अच्छा देन फिर प्री एनरोलमेंट फीस थी जो 156 यूरोस थी। फिर उसके बाद पे तो कर दिया आपने? फिर एनरोलमेंट हो गया। हाँ वो हो गई थी मेरी, और ठीक फीस तो पे करनी थी नहीं। हाँ फिर उसके बाद फिर उनका फिर मेरा एनरोलमेंट हो गया था, कि यूनिवर्सिटी की साइड से मेरे को मेल वगैरह मिल गई थी जो होती है यूनिवर्सिटी अच्छा की। क्रेडेंशियल्स जो एंड आपके। हाँ हाँ वो पहले ही मिल गए थे। एंड देन फिर मेरा जो बैचलर्स का रिजल्ट था वो मेरे को मिला 18 जुलाई को। एंड देन फिर वही, फिर मैंने एचआरडी की, एचआरडी वो अटेस्टेशन सारी, डीओबी भी मेरे को 9 डेज के अंदर मिल गया था। अच्छा दिल्ली से किया होगा हाँ या यूनिट वो इलेक्ट्रो किया था? ना ना मैंने दिल्ली खुद से ही किया था, ठीक और है अच्छा वो 9 डेज का मिल गया था अंडर। उसके बाद फिर मतलब मैंने डीओबी जिस दिन कलेक्ट किया उसके अगले दिन ही वीजा दे दिया था, क्योंकि मैंने पहले से बुक करके रखा था। प्लान रखा था। हाँ ठीक है। तो हाँ डीओबी मतलब मैंने फिफ्टी 50 वीजा कब किया था फाइल? 13 तारीख को। डीओबी मैंने हाँ तो डीओबी मेरा 28 जुलाई को था, और मैंने 15 डेज का मार्जिन लेके बुक कर दिया था अपना वीजा। तो ठीक वो है मेरे को 7th को ही मिल गया था, तो फिर मैंने दिल्ली जाके ही कलेक्ट किया और फिर वीजा दे दिया था उसके बाद। ओके अब बात करते हैं फंड्स की। तो पहले फंड्स के बारे में तो अच्छे से बताओ, बहुत लोगों को डाउट रहता है और फंड्स को ही लेकर रिजेक्शन आता है। आपने क्या किया था? तो फंड्स का ऐसा था कि मतलब मेरे फादर ही स्पॉन्सर थे, तो वो रिटायर्ड है स्टेट बैंक से। तो हाँ हमारा तो मेजोरिटी जो पैसा है वो हमने एफडी से ही दिखाया। तो जो एफडी थी वो मैंने लिक्विडेट कर दी थी 11th जुलाई को, अच्छा और वो थी 18 लाख्स की थी, अच्छा और मार्च तक मतलब सिर्फ 12 लाख ऐसी चाहिए, आपने सेवेंटी 18 लाख दिखाया। हाँ 17.9 लाख्स ऐसी कुछ की एफडी थी, और फिर वो अकाउंट में आके कुछ 18.67 ऐसा बन गया था। हाँ तो बस फिर इतना ही। इसके अलावा मैंने वो क्या कहते हैं पेंशन स्लिप्स सारी लगा दी थी इस साल की, और ऊपर से एक वो मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया था बैंक से ही, कि इस मतलब कि फादर के नाम से कि इन्होंने अपनी एफडी, इस नंबर की एफडी लिक्विडेट करके इस अकाउंट में इस डेट को डाल दिया, और उनका स्टैम्प वगैरह ले लिया था। एंड उसके हाँ अलावा तो बैंक स्टेटमेंट थी बस। हाँ इतने डॉक्यूमेंट लगाए थे। ओके तो मतलब आपने फंड्स काफी अच्छे शो कर दिए थे, बिल्कुल सॉलिड थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। हाँ ठीक। और सेकंड आपको स्कॉलरशिप थी जो कि बहुत स्ट्रांग फैक्टर था। स्कॉलरशिप हाँ हाँ वो उनने मेरे से पूछा भी एक्चुअली, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू में उनने क्वेश्चन पूछा कि आपकी फीस कितनी है वहाँ की। तो मैंने उनको बताया कि 500 यूरोस पर सेमेस्टर है, और पर मेरे को वो मिल गई है ट्यूशन फीस वेवर। तो उनने उसके बारे में थोड़ा पूछा मेरे से कितना मिला है, तो मैंने बोला कि ऐसे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इट्स जस्ट दैट मेरा ट्यूशन फीस वेव हो गया है और मेरे को वो पे नहीं करनी। तो अच्छा फिर उन्होंने पूछा कि इसके डॉक्यूमेंट तुमने ऐड करे हैं, तो इसके डॉक्यूमेंट का भी क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी मेरे को प्रोवाइड नहीं कर रही थी, मतलब उनने बस एक मेल दे दी थी मेरे को। हाँ मेल भी मतलब इतनी फॉर्मल भी नहीं थी,
बस ऐसे लिखा था कि मैंने फीस वेवर जीत लिया करके, हाँ यू हैव वन फीस वेवर करके। तो फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करा कि मेरे को एक डॉक्यूमेंट दे दो करके। तब जाके उनने मेरे को डॉक्यूमेंट कुछ टाइम बाद दे दिया था कि हाँ कि इस अच्छा कि कार्तिक फीस पे नहीं कर, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। तो अच्छा, इंटरव्यू आपका, आपने 13 तारीख को वीजा फाइल करने गए, राइट? तो इंटरव्यू कितने टाइम चला था? मेरे अच्छा मतलब 10-15 मिनट चला था। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे से पहले एक लड़की गई थी, तो ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही दुखी होके बाहर आई, और वो बोल रही थी कि हाँ, तो वो बोल रही थी बहुत ही स्ट्रिक्ट है और रूड है ये वो। तो मतलब मैं तो बहुत ही नर्वस हो गया था, शायद ही कौन मैं था, इतना कभी इटालियन वो गाय हो। था कोई, इटालियन सर थे, मैम थे, कौन थे, या इंडियन थे हाँ कोई? वो नहीं सर ही थे, इटालियन ही थे। अच्छा, तो हाँ, तो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इनफैक्ट उनने मेरे से इनकम के बारे में पहला पूछा, मंथली इनकम। क्वेश्चंस बताओ जरा अपने स्टार्टिंग से। हाँ तो पहला था कि पहला तो उनने नेम पूछा, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी नेम पूछा, फिर कोर्स के बारे में पूछा। सिंस मेरा कोर्स का नाम थोड़ा ना वियर्ड सा, एग्रीफूड सस्टेनेबिलिटी, मतलब ऐसे नॉर्मली समझ नहीं आता है, तो फिर मेरे बैचलर्स के बारे में पूछने लग गए कि एग्रीकल्चर में किया है कि नहीं किया है। फिर यही, फिर कोर्स फीस के बारे में पूछा उनने, फिर मैंने बताई तो उनने वेवर के बारे में पूछा, फिर स्पॉन्सर के बारे में, एक एक करके पूछते गए। तो इसमें हाँ मेरे से क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी इनकम कितनी है फादर की, तो हाँ मैंने मंथली इनकम बताई और साथ में मैंने मतलब टोटल बैलेंस भी बता दिया। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि जितना पूछा है उतना ही बताया जाए और आपने बता दिया एक्स्ट्रा अकाउंट में मत इतना पैसा, बट आपने सही काम किया था वो। बताओ। अच्छा ठीक है। हालांकि फिर उसके बाद उनने ये क्वेश्चन फिर से पूछा मेरे से, फिर पूछा उनने कि टोटल कितना अमाउंट है। अच्छा तो हाँ, बट इसमें एक क्या हुआ कि जैसे मेरे फादर पेंशन पे हैं, हाँ तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि डिवाइड पेंशन में है करेंगे। तो फैमिली भी, हाँ कि फैमिली भी सपोर्ट करनी है, बच्चे को भी भेज रहे हैं। तो मैं एग्जैक्टली ऑलरेडी अपने, तो मेरा भाई भी वर्क करता है, तो मैं उसकी डिटेल्स लेके गया था। तो फिर मैंने ऐसे बोल दिया था कि देर आर 5 मेंबर्स आउट ऑफ विच माई फादर रिसीव्स हिज पेंशन एंड माई ब्रदर ऑल्सो वर्क एज अ, जो भी उसकी रैंक और कंपनी थी, पोस्ट और कंपनी, और ही ऑल्सो सपोर्ट्स द फैमिली एंड ऑल। तो फिर उसने मेरे भाई की भी सैलरी पूछी, तो वो तो मैं वैसे मतलब याद हाँ कर, सही मतलब है। पता करके गया था। हाँ वो तो तो कुछ भी फिर बोल दो, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। फिर उनने शायद ITR पूछी फादर की, और हाँ फिर खत्म हो गया था। फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मतलब इंटेंशन वगैरह मेरे से कुछ पूछा नहीं, अच्छा, इंटेंशन नहीं वहां कुछ नहीं पूछा, पूछा। फिर तो फिर सही। मैंने कोई ऐसा बताना भी नहीं क्वेश्चन आया था चाहा था। कि आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन वगैरह हॉस्टल के लिए अप्लाई किया नहीं किया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो उनने कुछ पूछा नहीं। अच्छा, तो लास्ट में क्या उनका वो आउटकम क्या था, जो लास्ट में देते हैं ना कि ओके हैव अ नाइस डे, उस टाइम पे क्या था, कुछ नहीं बोला? ऐसा तो कुछ नहीं बोला उनने, बोला हाँ दैट्स इट, यू कैन गो नाउ, ऐसे करके भेज। तो नॉर्मल आप गए होगे, गूगल मीट पे चल रहा होगा कंप्यूटर पे, राइट? हाँ मतलब हाँ, एक गूगल मीट पे चले। ठीक है। तो फिर बाद में आप करके आ गए, बाद में बहुत परेशान हो रहे होगे, कब आए वीजा, कब आए यहाँ। या फिर हाँ ये पहले था तो मेरे कि को डर पहले से भी लग प्रिपेयर रहा थे था, कि 1 महीने के बाद ही आएगा, तब तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि 30-30 दिन में आ रहा है, बच्चों के आ नहीं रहे हैं। तो मतलब मैं ऐसा लेके चल रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के आसपास आ जाएगा अपडेट, पर जल्दी आ गया होपफुली। होपफुली और कुछ। हाँ, हाँ तो घर में सब खुश अब है, तो हाँ हाँ सब खुश है, बिल्कुल बेटर। फ्लाइट दिल्ली से होगी? हाँ, दिल्ली से मिलान की है। अच्छा, मिलान की है, मिलान से पावे चले जाओगे ट्रेन या बस से, राइट? हाँ, ट्रेन से तो पैकिंग वगैरह हो गई, सब शॉपिंग कर ली? हाँ, बस अब करता हूँ, अभी तो है टाइम, थोड़ा कर ही रहा हूँ मतलब। बहुत टाइम है, चलो बेटर है यार। हाँ चलो लास्ट में आपको मैं कुछ एडवाइस दे देता हूँ, ताकि आपको ट्रैवल के टाइम पे इजी हो जाए। कोई अभी तक फ्लाइट से ट्रैवल किया आपने? मतलब डोमेस्टिक करा है, ऐसे इंटरनेशनल नहीं चलो किया। ठीक है। और फ्लाइट का ले ओवर वगैरह कहीं पर है? नहीं है, नॉन स्टॉप ही कराई है फर्स्ट टाइम, का मतलब एयर इंडिया की है वो, शायद डायरेक्ट ही है। अच्छा, कब पहुंच रही, कितने बजे, कुछ मॉर्निंग इवनिंग कुछ? वो रात को पहुंचेगी 7:30 पे। 7:30 पे मिलान में पहुंचेगी? ओके, तो शायद आपको वहां पर रात में स्टे करना पड़ेगा एयरपोर्ट में, ठीक अच्छा मतलब है, एयरपोर्ट क्योंकि के अंदर ही। हाँ एयरपोर्ट के अंदर ही। बट आप ऐसा करना कि ऑनलाइन सर्च करना तो आपको बसेस मिल जाएंगी, एक ओके फ्लेक्स बसेस करके हैं, फ्लेक्स बस, FLUX, ठीक है।
वो सर्च कर लेना और वो देख लेना, अगर कोई रात में मिल रही तो बुक ही कर लेना, और ट्राई करना बुक करना 4-5 घंटे बाद की, मतलब 12-1 बजे की, तो मिल जाएगी। हाँ, वैसे सुबह 3 बजे चलती है ओके क्योंकि डिले हो जाती है फ्लाइट्स वगैरह, देख लेना पहले, कर ही लेना बुक, नहीं तो वहां भी हो जाएगा बुक। जैसे ये अकोमोड जैसे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है जो मतलब तो वो मिल गया है जो वो हाँ, रीजनल स्कॉलरशिप वाला, तो अच्छा मिल गया। फिर इसमें चेक। हाँ तो मतलब फाइनल रैंकिंग लिस्ट में नाम तो आ गया, तो हाँ होपफुली मिल ही वो जाना जो आप चाहिए। बता रहे थे प्रोविजनल में नाम आया है, हाँ उसके बाद फाइनल में भी आ गया, वो अपडेट अच्छा हो गया। फाइनल में भी आ गया। कुछ अकोमोडेशन का वो बताया, लोकेशन वगैरह कहीं? हाँ तो वो 2 सितंबर से वो अलॉट तो होना स्टार्ट होगा। अच्छा, तो वहां पर फिजिकली आपको होना पड़ेगा, ठीक है, हाँ शायद चलो ये भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब खुशियां आई जा रही है हाँ सेटलमेंट। मतलब बट हाँ, काफी इनिशियली आपको जाके 4-5 दिन बाहर कहीं रुकना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब सीधा नहीं मिलता होगा। हाँ सीधा नहीं मिलता, तो इनिशियली आपको 4-5 दिन पहले जाके कहीं बाहर अपना एकोमोडेशन बुक ही कर लेना booking.com वैसे से। मैंने 1 मंथ का तो करा ही है, जो अच्छा वीजा में दिखाना था वो तो अभी है ही। हाँ, तो उसको तो कैंसिल कर ही दो, उसकी जरूरत भी नहीं है अब, या किसी को पे कर रखा हाँ है? वो पे ही करा था क्योंकि वो एयरबीएनबी से किया था तो प्रीपेड ही था। अच्छा, वो तो काफी महंगा पड़ा होगा, कितने का पड़ गया था? हाँ मतलब वो ऐसा 50-50,000 का पड़ ही गया था 1 महीने। चलो ये भी सही है, बाकी आराम से थोड़ा चिल वगैरह कर लोगे, बाकी रूम्स वगैरह मिल जाएगा, हाँ यहाँ पर भी प्राइवेट ही रूम होते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, और हाँ बाकी थोड़ा मिलान और रोम जैसे ये ना थोड़ा ये ज्यादा पॉपुलर शहर है, बाकी जहाँ पावे वगैरह जाओगे तो वहाँ इतनी नहीं होगी पॉपुलेशन, तो थोड़ा चोरी वगैरह का भी डर रहेगा यहाँ पर, तो ठीक थोड़ा है अच्छा। हाँ, क्योंकि आसपास जो कंट्रीज हैं उनके लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और तो उससे बहुत बच के रहना, अपने जो पर्स वगैरह हो मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेना, वो तो पहले ही सही है। ओके हाँ आने के बाद यहाँ पर कोडीजी फिस्काल वगैरह वो बनेगा, बाकी क्या होगा यहाँ पर आके स्टूडेंट के साथ में घुल मिल जाना, वो सारे अपने काम कर रहे होंगे उनके साथ लग जाना, और ट्राई करना कि जो जो ऑफिस जैसे कोडीजी फिस्काल बन गया आपका, नहीं बना अभी? नहीं अभी वो नहीं तो बना, वहीं बनेगा ना शायद। हाँ हाँ नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी बनवा के दे देती है, तो क्या करना कोडीजी फिस्काल में बच्चे बोलेंगे अपॉइंटमेंट लो, सही है, तो अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, करना ऑफिस सुबह 9 बजे जाकर लाइन में लग जाना, 9 बजे ऑफिस यहाँ खुलते हैं, तो ट्राई करो 8:30 बजे लग जाओ जाके, ठीक है, ओके 8:30 बजे लग जाओ। और वो क्या करेगा, जो गेट कीपर होगा सिक्योरिटी गार्ड, वो अपॉइंटमेंट दे के अंदर भेजेगा, ठीक है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करना, फिर वो आपको तुरंत उसे एड देगा, तो अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेगा 8-10 दिन के बाद, उसमें टाइम लग जाएगा, तो ट्राई करना थोड़ा वेट करना थोड़ा पेशेंटली, ओके। और इंडिया से आओ तो पासपोर्ट और वीजा एक ही पेज पे कर लेना, और उनके प्रिंट लेके आना 10-12। और इंश्योरेंस कोई लिया है अभी ठीक है तक, हेल्थ इंश्योरेंस? हाँ वो हाँ हाँ ठीक है, तो बजाज का लिया था। हाँ इंश्योरेंस की भी 2-3 कॉपी ले जाना, क्योंकि वो रेजिडेंस कार्ड जब बनेगा ओके उसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फोटोकॉपी ओके बननी है। और DOB की 2 कॉपी ले आना करवा के, ओके ओरिजिनल ओके DOB कहीं सबमिट मत करना, कॉपी देना जहाँ भी मांगे। हाँ, इसके ओके अलावा ओके क्लोथिंग की अगर बात करें, देखो अपने साथ में कैटल लानी तो कैटल ला सकते हो, कैटल जो थी पानी गर्म करने वाली, ठीक है। और हाँ, यूरोपियन प्लग लेके जरूर आना, ओके हाँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ठीक चलता नहीं नॉर्मल बोर्ड, तो यूरोप का चलता है वो ले लेना। बाकी मैं आपको बोलूंगा, देखो शॉपिंग वगैरह सारी यहीं आके करना, जो भी लोग बोलते हैं बर्तन ले लो कैटल ले लो, हाँ अगर हाँ नहीं है, अगर इंडिया में घर पे है तो लेके आओ, नहीं तो यहीं आके करो, क्योंकि इंडिया में भी 200 का मिलेगा, ठीक यहाँ भी है 2 यूरो का मिलेगा, तो यहीं से खरीदो, इंडिया में उससे कुछ और सामान रखे बैग में, सही है। तो हाँ मैक्सिमम करते शॉपिंग यहीं वही से से करना, बस कपड़े कहाँ, कपड़े इंडिया से लेके आना, कपड़े यहाँ बहुत महंगे हैं, ठीक है। सही है। और कपड़े ऐसा नहीं है, आप जैसे मैंने जब मैं आया था, मैंने गलती क्या करी थी, मैंने लोगों के यूट्यूब में भी देख रहा था भाई वीडियो अच्छे से कि बताओ क्या लेके आना, तो लोगों ने बोला था कि यहाँ पर कल्चर है टी शर्ट का, सही है, टी शर्ट पैंट का इनका कल्चर है, मेरे को फॉर्मल्स पहनना पसंद है, सही है, मैं उन्होंने ज्यादा कंफर्टेबल रहा, टी शर्ट ही ले आया कई सारी, और मेरे को यहाँ पसंद नहीं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप जो मर्जी कपड़ा है वो लेके आ सकते हो, सब चलता है, सब अच्छा होता है, सब ओके कॉलेज एक्सेप्ट करता है, तो अपनी मर्जी से लेके ठीक आओ, बट कपड़े भर के ले है आना। ओके और हाँ, वूलेंस के चक्कर में कंबल लेके मत आना, हाँ क्योंकि वो तो है। कंबल आप जहां भी जाते हो सारे लोग कंबल प्रोवाइड करते हैं, हाँ कंबल प्रोवाइड करते हैं, पता नहीं चादर ला सकते हो अपने साथ, बेडशीट ला सकते हो, सही है, बाकी प्रेस जो तो आयरन ला सकते हो अगर करना है तो, बाकी तो सब ओके कुछ हाँ यहाँ मिल जाता है, तो लाने की जरूरत नहीं है, आराम से एक फॉरेक्स कार्ड ले लेना, है कार्ड फॉरेक्स कार्ड? वो मेरे को HDFC का बनवाना है, हाँ वो बनवा लो, नेक्स्ट वीक HDFC बनवाऊँ। एक्सिस किसी का बनवाना है, बनवा लो कुछ टाइम के लिए, या फिर काम करो इंडिया में एक नियो चल रहा है, नियो का कार्ड ओके ठीक वो ले लो, बेटर होगा है उसका, शायद अच्छा 100 कुछ कंट्रीज में एक्सेस है, सही है, ओके तो ट्राई करो कि अपने साथ 500 कम से कम 500 600 कैश रख के लेके आना, कैश ठीक है हाँ, तो अपने यहाँ तो ओके लोकल दुकान पे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और सिम तो आके एयरपोर्ट पे ले ही लेना, क्योंकि
सिम के बिना तो काम ही हाँ नहीं चलते, हाँ हाँ वो मिल जाएगी 20 यूरो। तो वहां भी तुम्हारा देखो यहाँ एक तो कॉपी यहीं यूज हो जाएगी, यहीं पर तुम्हारा वीजा पासपोर्ट लग, ठीक है। तो हाँ क्या करना, जब फ्लाइट में चलो तो एक फोल्डर अलग से बना लेना, वो डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ लेके चलना अलग से बैग में, ओके ताकि ठीक कहीं भी है। है हाँ इमिग्रेशन के इंटरव्यू की बताता हूँ, इमिग्रेशन इंटरव्यू में डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, ठीक है। अपनी इनरोलमेंट समरी और वीजा साथ में रखना है, इनरोलमेंट समरी ठीक बाहर है जो मैंने फोल्डर बनाया फोल्डर रख ही लेना एक, सही है। तो ओके जैसे आप इंडिया से दिल्ली से आओगे तो दिल्ली में तो एक बार पूछेंगे वो, सही है। जब आप यहाँ पर उतरोगे मिलान में पूछेंगे, सही है। वैसे तो मेरा अभी जब पासपोर्ट वापस आया वहां हाँ से, तो उसमें उनने मेरे लास्ट पेज में स्टेपल कर रखा है प्री एनरोलमेंट समरी, मे बी इमिग्रेशन तो क्लियर बेटर करो। है, हाँ बेटर है। जैसे कुछ लोगों का कर देते हैं तो छूट जाती है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। हाँ। तो समरी स्टेपल कर दी, तो बाकी एयरपोर्ट पे जैसे आप आओगे इंडिया में तो दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पर आके एकदम आप, पहली बात तो एयरपोर्ट ही नया होगा तो डर लगेगा, ठीक है। ये हाँ तो तो जब आप है। आओगे तो नॉर्मल लाइन लगी होगी, वो उसके पास जाना, वो सिंपल उसे दिखाना, वो रीजन पूछेगा पढ़ने आए हो बस, डरना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो फंबल नहीं होना, झूठ नहीं बोलना कुछ, बस 1-2 मिनट होगा, बाकी बैग लेके निकाल देगा वो बस। ठीक फिर शहर है में आ ओके गए तुम, और हाँ खाने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग जब यहाँ आओगे थोड़ी दिक्कत होगी, तो पहले तो पिज्जा ही खाना, वो सस्ता भी पड़ेगा और काम भी हो जाएगा आपका। इंडियन फूड के चक्कर ठीक में मत है रहना आते ही, मैंने गलती कर दी थी, ओके क्योंकि ठीक है इंडियन फूड्स हैं वो जाओगे तो 20 यूरो, 2000 रुपए का एक टाइम का खाना, अच्छा ठीक है। तो बेटर है कि चार ठीक है पांच ठीक पिज्जा खा लिया जाए, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये सजेशन थे, बाकी कनेक्ट ओके ओके में तो है ही हम लोग, अभी कोई इश्यू कोई दिक्कत आए तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट। और बताओ और कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन और है? नहीं और तो अभी नहीं है, फिर मैं पूछ लूंगा आपसे, होगा कुछ तो। चलो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू इटली, विश यू थैंक ऑल यू द थैंक बेस्ट यार। यू थैंक यू थैंक यू चलो ओके, इसको एंड करते हैं यहीं पर, ओके ठीक है। कुछ ओके और कुछ थैंक है यू बोलना है, बताना है, पूछना है?